हाँ माँ, प्रणाम। कैसी हैं? सब ठीक? अरे हम बस उठे ही हैं, बस दाढ़ी शेव करके स्कूल जा रहे थे। हमारा क्या है बेटा, हम तो उसी दिन खुश होंगे जिस दिन तुम शादी कर लोगे। दाढ़ी भी शेव कर दी, अब शक्ल और दिखेगी, अब तो पक्का नहीं मिलेगी बहू। अरे माँ, ये क्या सुबह सुबह लगा रखा है शादी शादी? हमारा हाल पूछने से ज्यादा शादी की पड़ी रहती है आपको। बेटा एक ही सपना था कि बहू घर आएगी और उसका गृह प्रवेश करेंगे, पर मेरे गृह प्रवेश का ख्वाब तो अब सिर्फ लूडो तक ही सीमित है। जीतने के बाद खुद को ही बधाई हो, अरे मुंह मीठा कीजिए बोल देती हूँ। सब रिश्तेदार पूछते रहते हैं बच्चे की शादी कब करोगी। तुम्हारे चाचा ने तो ये भी डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारी शादी के दिन क्या पहनेंगे। अब बस तुम्हारी हाँ के लिए सब रुके हुए हैं। जल्दी कर लो वरना पुश्तैनी गहनों के नाम पर हमारी हड्डियाँ ही देनी पड़ेंगी लड़की वालों को। माँ आप भी ना कुछ भी बोलती हैं, इतना भी ड्रामा मत कीजिए, कर लेंगे शादी जब मन करेगा, अभी फिलहाल नहीं करनी। हाँ, जिंदगी भर बच्चों की ही रिपोर्ट कार्ड बनाते रहना और अपने लाइफ की रिपोर्ट कार्ड में अंडा लाना। साइकिल पे हमेशा अकेली बैठोगी क्या? कब तक? कोई तो कंपनी चाहिए ना। अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं है, हमारे साथ हमारी छोटी मुन्नी रहती है, अकेलापन कभी महसूस ही नहीं हुआ। अरे जब देखो मुन्नी मुन्नी करते रहते हो, कभी बात तो करवाओ हमारी उससे। मुन्नी आपसे बात नहीं करेगी, बहुत शर्मीली है। अच्छा चलिए अब मैं रखता हूँ, स्कूल के लिए देर हो रहा है। हाँ हाँ भाई, हमारी जिंदगी में झमेला कम है ना जो और किसी को शामिल कर दें। माँ का तो मेलो ड्रामा कभी बंद ही नहीं होता, देर भी हो रही है। चलिए ले लिया बस्ता, साइकिल की चाबी, चाबी, चलिए दरवाजा ताला लगा लो, तिवारी भूल जाते हो। अरे ये हमारे जूते कहाँ गए? यहीं तो पड़े रहते थे रोज, आज कहाँ चले गए? चारुलता दीदी, अरे आपने हमारे जूते कहीं देखे हैं क्या? यहीं पड़े रहते थे रोज, आज पता नहीं कहाँ चले गए। गुड मॉर्निंग तिवारी भैया, का हो गो? जूते नहीं मिल रहे का? अरे हमको का पता कहाँ चले गए तुम्हारे जूते। चप्पल जूते ध्यान से देखने होते तो मंदिर में काम न कर लेते। मिल जाएंगे, होंगे यहीं कहीं, ढूंढिए। अरे बलराम भैया, आपने तिवारी जी के जूते देखे हैं का? मिल नहीं रहे। अरे नहीं, हमें नहीं पता, कहीं छोड़ आए होंगे। चलिए इसी बहाने तिवारी जी नए जूते लेंगे, और हाँ मोजा लेना मत भूलना, पिछली बार आप हमारी सवारी में आए तब से भोला की नाक बंद है, वरना गुच्ची का परफ्यूम लगाकर गाय पर लाइन मारता था। कहीं छोड़ आए होंगे का क्या मतलब है? हैं? हम बीच रास्ते में नंगे पांव तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे? अरे कैसी बातें करते हो यार बलराम। अच्छा और कह रहे हो कि हमारी वजह से भोला की नाक बंद हुई है? जहाँ तक हमें याद है भोला की तो आंखें पक्का बंद हैं, कल ही एक्सीडेंट करवाया था हमारा। आपको हमारी सवारी पर छोड़ आते हैं, टेंशन किस बात का है तिवारी जी? हैं? बीच रास्ते नए जूते भी ले लीजिएगा। लीजिए, बताइए जूते चोरी का नाम लिए और दरोगा सर आ गए, बताइए। हैं? दरोगा सर, तिवारी जी के जूते चोरी हो गए। अबे इतना चिल्ला काहे कर रहे हो, जूते ही चोरी हुए हैं ना। इससे तो ये पता चल रहा है कि इस गांव के लोग आपका दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी का दर्द समझने के लिए वॉक अ माइल इन देयर शूज होता है। और हम दरोगा जूते ढूंढने के लिए थोड़ी ना बने हैं कि लोगों की जूते ढूंढेंगे। आज जूते धुंधवा रहे हो, कल साले सिलाई करवाओगे। मोर्चा रोकने वाले और मोची का काम करने वाले में थोड़ा फर्क होता है। मिल जाएंगे जूते, जूते ही है ना? हाँ दरोगा जी, जूते ही हैं, पर स्कूल के लिए देर हो रहा है। मुन्नी तुमने तो नहीं देखे मेरे जूते कहीं? आखिरी बार तो यही चौराहे पर रखे थे, हमने कल ही देखे थे जब आप घर वापस आए।
और हम सिंड्रेला तो नहीं है जो 12 बजे रात के बाद हमारे जूते गायब हो जाएंगे। तिवारी जी, ये आप बात बात पर मुन्नी से बात करते रहते हैं। ये मुन्नी है कौन? दिखाई तो देती नहीं है। डायन है क्या कोई? क्या पता आपके जूते भी सिर्फ आपको ही दिखते हो। तुम ना बलराम, तुम जाओ, तुमसे मदद तो हो नहीं पाएगी और सिर घुमा कर रख दोगे हमारा। अरे तिवारी जी, डांट वरी, हम है ना चिंटू को भेज देते हैं, वो आपके जूते ढूंढवाने में मदद कर देगा, ठीक है? तिवारी जी, जूते ढूंढ रहे हो? हमारे पास है आपके जूते। तो क्या है ना, आपने कहा था ना होमवर्क नहीं करोगे तो अगली क्लास में जूते पड़ेंगे, तो हमने जूते चोरी कर लिए। प्रॉब्लम सॉल्व है ना हम इतने स्मार्ट। चिंटू, वापस करो हमारे जूते वरना तुम्हारी माँ से ना शिकायत कर देंगे और फिर बताएंगे कौन स्मार्ट है। ऐसी हरकतों की वजह से ही मार खाते हो हमसे। तिवारी जी, ये लो अपने जूते, और अब तो नए ले लो जूते, और मोजे लेना मत भूलना, और याद रखो जूते दे दे तो मार्क्स भी बराबर देना। हम भी यही कह रहे थे इनसे, बताइए यही कह रहे थे, पर हमारी बात सुनता ही कौन है। जूते चोरी होने की रस्म तो वैसे ही पूरी हो गई, बस पैसों की जगह अब आपको चिंटू को नंबर देने होंगे, इससे तो शादी ही कर लेते। शादी तो नहीं ही करेंगे, जूते चोरी हो जाएं तो दोबारा मिल जाएंगे हैं? बेड और साइकिल का आधा हिस्सा चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। तब तक के लिए ना हम सुन लेंगे अपनी अम्मा के ताने, चल जाएगा हमारा जीवन। तिवारी जी, आप और आपकी बातें, आपकी बात ही चौथी।